एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर सिर्फ माइंड को अनवाइंड करना होता है कि वो वापस आ जाए उसको। भाई का फर्क तो फंसा पहला रब्बी का फर्क। एंटरटेनमेंट को कंसिस्टेंट रखना मकसूद नहीं होता, मकसूद फोकस है, डायरेक्शन है मुसलमानों का। अगर एंटरटेनमेंट असल बन जाएगी, जो बन जाती है एंटरटेन, पार्क में जाना, थोड़ा रिलैक्स होना, बीच पे जाके बैठ जाना, किसी अच्छे दोस्त से जाके मिल लेना, मजाक मस्ती भी कर लेना तफरी से, ये सब हराम थोड़ी है। मगर ये कंसिस्टेंट और मुस्तकिल नहीं चाहते, इस्लाम कहेगा कि ये कंसिस्टेंट तहरीक बन जाए, क्योंकि वो फोकस उस चीज से हट जाएगा ना जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट भी वो होगी जो इंसान को फोकस रखे अपने विजन की, जमात को फोकस रखे अपने विजन की तरफ, कौम को फोकस रखे अपने किबले की तरफ। उन्हें पता होना चाहिए उन्हें एक जिंदगी से क्या क्या निकालना है, इतनी इतनी बड़ी टेंशन और इतने इतने बड़े मसाइल सामने खड़े होते हैं, तो उसके अंदर रिलैक्सेशन जरूरी है। एंटरटेनमेंट से अच्छा पार्ट होना चाहिए रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने के लिए इंसान को। वो आज अगर एंटरटेनमेंट ही अजाब बन जाएगा तो फिर उस एंटरटेनमेंट का क्या करेंगे।